बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो जी, वेलकम हो गया आपका मेरे इस चैनल में और एक अनदर वीडियो में। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी थी तबीयत ख़राब और व्लॉग जो है ना वो मैंने बनाए नहीं हैं। तो मैंने कहा चलें आज जो है ना व्लॉग अपना स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं जो मुझे देखते हैं वो कहते होंगे कि इनका व्लॉग ही नहीं आता, लेकिन आज मैंने स्टार्ट कर लिया। तो जी, अभी टाइम हो रहा है 10:30 का, 10:30 टाइम है। तो अभी मैंने नाश्ता बनाना है, तो मैंने कहा चलिए नाश्ते से पहले अपना ना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और नाश्ता जो है ना जी, गैस ही नहीं है, क्या करें। ये देखें जी, गैस आप चेक करिए, थोड़ी थोड़ी सी गैस आ रही है। तो मैंने तवा कब से जो है ना वो रखा हुआ था कि गर्म हो जाए, और फिर मैं ना पराठे जो है ना वो बनाती हूँ क्योंकि आज खाने का दिल है जी पराठे। तो अभी देखें क्या होता है, पराठे बन पाते भी हैं कि नहीं, लेकिन ये है कि मैं नाश्ता जो है ना वो तैयार कर लूँ, मैं फिर आपसे मिलती हूँ। जी व्यूवर्स, तो नाश्ता जो है ना वो तो हमारा तैयार हो गया, मैंने पराठे बना ही लिए थे, बस जैसे जैसे करके खाओ ना। तुम क्यों रुक गई हो? तो व्यूवर्स यहाँ पे ना देख सकते हैं आप, साग है और ये मेरी सिस्टर की फ्रेंड ने साग भेजा था कल, बल्कि वो खुद लेके आई थी। तो मुझे तो बहुत पसंद है साग, मैंने इसके अंदर तड़का शड़का लगाया है। और साग किस किस को पसंद है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे नाश्ता हमारा हो रहा है जी, और जो है ना नाश्ता कर लें फिर आपसे मैं मिलती हूँ। वैसे साग जो है ना हमारे घर अब तो बहुत काम बनता है जानी, पहले जब हाँ, अम्मी जी होते थे ना तब तो हमारे घर बहुत साग बनता था, अम्मी जी सदी। बनाते थे साग, हमसे नहीं था बनता हाँ इतना लंबा काम, हाँ बिल्कुल। मिलजुल के बना लेते थे। मैं बस ज़्यादातर अम्मी वो जी, कट कर देती थी हाँ जो पालक और वो चीज़ें होती हैं, तो अम्मी जी बनाते थे। तो व्यूवर्स यहाँ पे नाश्ता हो रहा है, तो नाश्ते के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। व्यूअर्स, तो नाश्ता तो हमारा हो गया है और उसके बाद मैं काफ़ी देर सोचती रही सोचती रही कि मैं आज क्या कंटेंट बनाऊँ, क्या कौन कौन सा टॉपिक लूँ आज। और मैं उस टाइम की सोच रही हूँ क्योंकि इतना मेरा गैप हो गया है ना व्लॉग में, और मैं कह लें कि एक हफ्ते के बाद, आई थिंक हफ्ते से भी ऊपर दिन हो गए होंगे, स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। और एक तसलसल होता है वो, तो मेरी रूटीन बड़ी बुरी तरीके से ख़राब हुई हुई है। और मैं कब से जो है ना अपना कंटेंट सोच रही हूँ जी कि आज क्या कंटेंट बनाऊँ, लेकिन मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा चलें जैसे जैसे टाइम साथ साथ गुजर है ना, जो जो हो रहा है बस आपको दिखा देंगे जी। तो यहां पे ना मेरी सिस्टर ने ये देखें जी कवर जो है ना वो डेकोरेट किया है, और ये मेरा कवर था और मैंने अपने मोबाइल का कवर चेंज किया तो ये वेस्ट था। तो ये कल ना लगी हुई थी उसके ऊपर डेंडिंग पेंडिंग करने, तो बड़ा अच्छा जो है ना इसने कवर डेकोरेट किया जी, ये नेल पॉलिश से जो है ना सारी इसने डिफरेंट लाइंस लगाई हैं और ऊपर बीट्स लगाए हैं। बीट्स नहीं है, ये ना ऐसे वो तारे से होते हैं, ये कढ़ाई में इस्तेमाल होते हैं। वैसे ये मेरा ना कल वो बॉक्स लेके ना, तो उसके अंदर वो सारी वो जो मोती तारे शारे हैं ना वो निकाल के ना, तो वो देख रही थी क्या क्या लगता है ऊपर। तो जी इसने ना काफ़ी अच्छा जो है ना काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर लिया। हाँ बिल्कुल। तो कहती है अब तुम्हें मैंने न्यू कवर बना दिया है, तो जो है ना तुम अब ये वाला जो है ना अपने मोबाइल पे चढ़ाओ। मैंने कहा चलो ये भी चढ़ा लेते हैं, पहले जो मैंने न्यू कवर लिया है ना उसका मैं थोड़ा सा शौक पूरा कर लूँ, तो फिर ये भी चढ़ा लेते हैं। तो अभी बस मैं बैठी हुई हूँ और बोर हो रही हूँ फुल, कह लेंगे कुछ दिल नहीं करता करने को, और बस बंदा जो है ना बोर होता है। तो अब बस जो है ना क्या कहूँ कुछ समझ भी नहीं आ रही यार, इतनी देर के बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो चले क्या क्या होता है, क्या क्या होना है, वैसे क्या होना क्या है, खुद ही मैंने करना है, खुद ही मैंने कंटेंट बनाना होता है, क्योंकि मेरे घर की एक तो रूटीन ऐसी है, क्योंकि मेरे घर की रूटीन ऐसी है कि इतने कुछ वो वाला नहीं है, हिसाब नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं और कंटेंट बन जाएंगे, तो मुझे खुद ही निकालना पड़ता है कंटेंट। तो बस इस वजह से मुझे कुछ कुछ भी समझ नहीं थी आ रही।
तो फिर मैंने ये कवर देखा, मैंने कहा ये चलो इसका थोड़ा सा बना लेते हैं। तो इसका भी चलो दिखाती हूँ मैं अपनी सिस्टर के कारनामे, इतने ज़बरदस्त। चले अब देखती हैं आज मुझे टॉपिक कोई मिलता भी है कि नहीं मिलता। तो बस आप मेरे साथ रहिए और व्लॉग जैसा भी बन गया ना बस आपने देख लेना है, ठीक है जी। तो बस आप देखते हैं कोई कंटेंट मिल ही जाए मुझे शायद। ब्राउनी कहाँ पे चले गए थे? ब्राउनी सैड सैड लग रहे हो, सैड हो गए हो। ब्राउनी सैड क्यों हो गए हो? सैड क्यों हो गए हो? कहाँ पे चले गए थे? हवेली में? ब्राउनी शिकारी शिकारी है तुम? चलो नीचे। ये बहुत शिकारी हमारा ब्राउनी। ब्राउनी अलर्ट, फुल अलर्ट हो गया। बड़े परेशान लग रहे हो आज है, परेशान क्यों हो गया? सैड सैड हो गया मेरा ब्राउनी। सैड सैड क्यों हो गए हो? सैड सैड लग रहे हो? सैड सैड गंदा ब्राउनी, गंदा गंदा गंदा। जी व्यूअर्स, तो ये हैं छलियाँ और जो कि हम अभी भूनने लगे हैं, और मेरी सिस्टर ज्यादा छली के छिलके छिलके ना नहीं नहीं छिलकाड़े छिलके यार के छिलके ताने लगे। कब से मैं सुन रही हूँ ये कब से लगी हुई है। एक शूट बनाने हजार तो मैं अभी खुद उठ के आई हूँ, तू शूट ही बनाना है, मैं जाकर अपनी छली तो भुना। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो यहाँ पे ना ये किस्मत मेरी देख सारी छली ऐसी होनी है बच्चू। अच्छा रिवर्स, ये बाहर ना छलियों वाला आया था और ना ये छलियाँ जो है ना सस्ती थी, मेरे हाथ से 100 की 2.5 किलो थी कि 3 किलो थी, 3 किलो थी, 3 किलो थी। तो ये बस अब ऐसे भून के तो ये छोटी छोटी सी छलियाँ हैं और हमने कहाँ पे भूननी है जी, ये हमने ना चूल्हे पे भूननी है। और हमारी गैस तो सुबह से आपको पता है, देख ले बस इतनी सी गैस आ रही है। तो जी यहाँ पे इसका भूनेंगे और फिर खाएंगे। तो वैसे ये कौन इस तरह भूनता होगा? वैसे ये सारे ऐसे ही भूनते होंगे। तो बॉईल कर लेते हैं छली को, लेकिन हम भी बॉईल ही करते हैं, मसाले के साथ खाते हैं। मसला ये है ना कि गैस नहीं है ना इतनी। तो फिर हम ये ना जल्दी वाला काम जो है ना इधर कर लेते हैं, इसको भून लेते हैं। वो देखो ऊपर ही गिर गई है गैस उसकी फ्राक बेटो बहन। तो बस हम इनको भूनेंगे और खाएंगे। ये देखिए जी हमारी छली जो है ना वो भून रही, भून नहीं होगी, सड़ गई है रिश्तेदार। तो बस छली जो कितनी अब तुमने निकाल ली है छली? एक हो और भी निकालो ना। नहीं मैं नौकर लगी हूँ। नौकर क्या अच्छा, निकाल ली अच्छा जी छली जो है ना वो बस हम ऐसे ही भून के ना, तो ऐसे ही मजे की दूध वाली छली है ना, बिल्कुल ये नरम होती है, इसको इतना फ्राई, बहुत ऐसे मजे की दूध या छली है फ्राई करने की कही थे मतलब इसको इतना ज्यादा वो सेकने की जरूरत हाँ। नहीं होती है, पकी होती है पहले से, नरम हाँ। होती है इसके दाने। हो गया मेरे हाल से तो थोड़ी सी रह गई है। अच्छा जी ये भी मेरी सिस्टर ने जो ना छिलका इसका उतार दिया, बहुत बड़ा काम किया मैंने, साफ सुथरा कर लिया। और भी करो तो मेरे हाथ से दो दो तीन तीन तो करो ना, छोटी छोटी छलियाँ हैं तो वास्ता करो। वो तो छली हमने भून लिया और ये ना एक ऊपर रखी है जी छली, दिखाओ देखो इस छली का लाख टूटा हुआ है, लाख लाख टूटा हुआ है नीचे। एक छली तो हमने भून ली है और जो मेरी सिस्टर खा रही है, दिखाओ खा रही हो? नहीं नहीं खवा रही हूँ। मजे की है, खा रही हूँ, बहुत मजे की है। बड़ी ये टेस्टी सी लगती है, ऐसे मीठी मीठी सी छली है, छोटी सी ना, बड़े बड़े हाँ छोटी छोटी सी है। और बस ऐसे ही ये 3 किलो थी, बहुत ज्यादा थी और ये हाँ। हम दोनों ने खत्म की है। हाँ बिल्कुल, मतलब तीन तीन दो 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 तीन तीन छोटी सी हाँ, बिल्कुल छोटी सी इनकी। एक बाइट लगाया ना तो इतना तो बाइट चला जाता हाँ।
तो बस चली चली ये हम भूनेंगे और फिर मैं आपको चली को भून रही हूँ। चली चली तो खा रही हूँ ना, मुझे भूनने दो। तो भूनो, ये देखो क्या, एक साइड से पहले स्टार्ट करते हैं कि करो इधर से शुरू करो। करो तुम, करो ना, तुम मुझे इसको जरा प्रकाश का के दो ना। क्यों, नौकर लगी हुई है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, पकाती हूँ। जी जी, बनो बनाओ बनाओ। तो जी यहाँ पे छली को हम भून लें।